देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अलजेब्रा का। पहला क्वेश्चन देखिए, एक्स माइनस वन अपान एक्स, एक्स माइनस वन अपान एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है एक्स फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें भी फोर है, इधर भी फोर है, तो ये फोर तो कॉमन आ जाएगा, फोर आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर इतना बचेगा। ठीक है, ये फोर कॉमन लिए हैं, अब ये वैल्यू दी गई है एक्स माइनस वन अपान एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, इससे आप निकाल लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर निकालने के लिए फार्मूला होता है, जब प्लस हो तो के स्क्वायर माइनस टू कर देते हैं, जब माइनस हो एक्स माइनस वन अपान एक्स इक्वल टू हो तो क्या करते हैं, के स्क्वायर प्लस टू, तो ये क्या है के। ठीक है, तो के स्क्वायर प्लस टू कर दीजिए तो वन बाई टू के है, तो के का स्क्वायर वन बाई फोर और प्लस टू, ये हो गया, और फोर ये कॉमन है ये वाला। ठीक, इसके बाद देखिए अब यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, ये फोर आ ही जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे चार दूना आठ एक नौ, नौ बटे चार, नौ बटे चार आ जाएगा, चार चार कैंसिल हो जाएगा, नौ बचेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी नाइन। इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें हमने फोर का मान ले लिया, और आपको पता है पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू कोई वैल्यू दी हो, फिर आपको निकालना हो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, तो क्या करते हैं के स्क्वायर माइनस टू करते हैं। लेकिन जब माइनस का दिया हो, एक्स माइनस वन अपान एक्स की वैल्यू दी हो, और फिर आपको निकालना हो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, तो आपको के स्क्वायर प्लस टू करना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिएगा, बहुत इजी है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आगे बता रहा हूँ, ये इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। एम प्लस वन अपान एम माइनस टू इक्वल टू फोर दिया है। अब देखिए यहाँ पर अगर एम माइनस टू है, और यहाँ पर भी अगर एम माइनस टू हो जाए तो बात बन सकती है, तो दोनों पक्षों में हम माइनस टू घटा दें दोनों साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम माइनस, ये यहाँ से दोनों पक्षों में घटाया तो क्या हो जाएगा, फोर माइनस जब टू करेंगे तो यहाँ तो टू बचेगा। ठीक, इधर एम प्लस वन अपान एम माइनस टू, ये ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ये वाला पोर्शन वन अपान एम माइनस टू, और ये जो अकेले m है इसके साथ में 2 घट जाएगा। ठीक है ना, घटेगा तो एक ही बार, प्लस है, अब इसके साथ ले लिया m के साथ, इनके साथ 1 अपान m माइनस टू के साथ नहीं लिया, तो m माइनस टू ये हो गया, यानी कि माइनस टू ये घटा है और यहाँ पर भी 2 घटा है, 4 माइनस टू हुआ तो 2 आ गया। इसके बाद देखिए m माइनस टू वन अपान m माइनस टू इक्वल टू टू, ये आ गया। अब आपको वैल्यू क्या निकालनी है, ये वाली m माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन अपान m माइनस टू का होल स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना है। यानी कि m माइनस टू को आप मान लीजिए कि x है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर आ निकालना है, और प्लस का ही देखिए ये भी क्या हो गया, अब ये क्वेश्चन इसको ये नहीं रहा, अब ये हो गया, मान लीजिए इसके आगे ये हो गया, ये हो गया x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू कुछ, और फिर आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, तो क्या होता सूत्र, के स्क्वायर माइनस टू, के है आपका टू, तो दो दूनी चार माइनस दो बराबर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, एक नया मेथड है, थोड़ा
थोड़ा इसको जान लीजिए, x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू के दिया हो, फिर आपको निकालना हो x माइनस वन अपान एक्स, ये वैल्यू आपको निकालनी हो तो इसका सूत्र रट लीजिए, रूट के स्क्वायर माइनस फोर, क्या होता है रूट के स्क्वायर माइनस फोर। अब देखिए इसको अगर सिद्ध करके आपको बताना हो तो थोड़ा सा अगले वीडियो में हम कभी बता देंगे, अभी आप फार्मूला तैयार कर लीजिए, यानी कि ये प्लस में दिया हो और माइनस में आपको निकालना हो, ये जैसे प्लस में दिया है x प्लस वन अपान एक्स और आपको निकालना है x माइनस वन अपान एक्स, तो क्या हो जाएगा रूट के स्क्वायर माइनस फोर, रूट के स्क्वायर माइनस फोर। जब माइनस में दिया हो और प्लस में निकालना हो तो रूट के स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा, ठीक है रूट के स्क्वायर प्लस फोर। इतना याद रखना है कि जब प्लस का मान दिया हो तो माइनस में आएगा, माइनस का मान दिया हो तो प्लस में आएगा, ठीक है। और अपोजिट पूछेगा, अब जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, अपोजिट में क्या है कि देख लेते हैं, x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू टू, फिर वो निकालना है x माइनस वन अपान एक्स, ये प्लस में है और ये माइनस में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा रूट के स्क्वायर माइनस फोर, क्या हो जाएगा रूट के स्क्वायर माइनस फोर हो जाएगा। अब k क्या है टू, तो दो दूनी चार माइनस चार जीरो हो जाएगा, जीरो आंसर आ गया, ठीक है। हमने आपको क्या बताया कि ये प्लस में दिया है तो यहाँ पर के स्क्वायर माइनस फोर लगेगा, ये माइनस में दिया है तो के स्क्वायर प्लस फोर लगेगा, तो x माइनस वन अपान एक्स इजक्ल टू इलेवन, आपको फिर निकालना है x प्लस वन अपान एक्स, सीधे अपोजिट एक माइनस और फिर प्लस या माइनस निकालना, तो रूट के स्क्वायर प्लस फोर, रूट के स्क्वायर प्लस फोर, ग्यारह का स्क्वायर 121 और चार पच्चीस, 121 और चार 25 आ जाएगा, यानी 125 आ गया, तो ये आ जाएगा 5√5, आपका आंसर आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे 5√5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है ये, देखिए दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो, ये दो सवाल हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो, फिर आपको निकालना है एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इस समीकरण में एक्स से डिवाइड कर दीजिए दोनों पक्षों में, तो यह आ जाएगा एक्स माइनस थ्री प्लस वन अपान एक्स, अलग अलग पदों में एक्स से भाग देंगे तो, और जीरो बटे एक्स करेंगे तो जीरो ही आएगा, ठीक, एक्स से भाग दे दिया सभी पदों में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। अब इसके बाद देखिए एक्स और वन अपान एक्स इन दोनों को साथ में लिख लीजिए और माइनस थ्री इसको इस तरफ भगा दीजिए बराबर के बाद, तो ये हो जाएगा प्लस का थ्री, एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर थ्री, ये आ गई वैल्यू। अब आपको निकालना तो ये है ना एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब, इसका सूत्र तो जानते ही हैं आप, क्या होता है के जब प्लस हो तो के क्यूब माइनस थ्री के होता है, के क्यूब माइनस थ्री के, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो के क्यूब माइनस थ्री के क्या आ जाएगा, के तो ये है ना, तो तीन तिरकाई नौ तीस सत्ताईस, सत्ताईस माइनस तीन तिरकाई नौ, सत्ताईस में से नौ चले गए अठारह बचे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो दिया है, अब आपको निकालना है एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो इस समीकरण में पहले नंबर पर तो एक्स से भाग दे दीजिए, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो यह आ जाएगा एक्स प्लस थ्री प्लस वन अपान एक्स बराबर जीरो, इसको और इसको साथ में रख लीजिए, एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर माइनस थ्री, ठीक है। अब आपको निकालना ये है
एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब। तो आप सूत्र जानते हैं के क्यूब माइनस थ्री के, क्योंकि प्लस में पूछ रहा है, प्लस में पूछ रहा है तो के क्यूब माइनस थ्री के क्या है यहाँ पर माइनस थ्री, तो माइनस थ्री का घनमूल क्या हो जाएगा माइनस सत्ताईस, और माइनस थ्री के होता है तो माइनस पहले से लगा है और माइनस थ्री है, माइनस थ्री के तो माइनस थ्री हो गया और के की जगह माइनस थ्री हो गया तो प्लस का नाइन हो जाएगा, माइनस सत्ताईस प्लस नाइन बराबर माइनस अठारह। ठीक है, अब याद रखिएगा एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब, इसका सूत्र होता है के क्यूब माइनस थ्री के क्या है जो इक्वल के बाद समीकरण में जो मान दिया हो। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लीजिए, बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है, चलिए पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। a प्लस वन अपान ए का स्क्वायर बराबर थ्री, तो स्क्वायर हटा दीजिए तो रूट इधर लग जाएगा, a प्लस वन अपान ए बराबर रूट थ्री। आपको वैल्यू आपको निकालनी है ए क्यूब प्लस वन अपान ए क्यूब, तो इसका सूत्र होता है के क्यूब माइनस थ्री के क्या है रूट थ्री, रूट थ्री का क्यूब करेंगे तो थ्री रूट थ्री आ जाएगा, और माइनस थ्री के तो माइनस थ्री रूट थ्री, ये कैंसिल हो जाएगा जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एक्स माइनस वन अपान एक्स बराबर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर ये आपको निकालना है, ये आपको वैल्यू निकालनी है। ये आप देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो इसका सूत्र खोल लीजिए तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ये वाली वैल्यू ये तो यहाँ दी गई है इस जगह पर, तो क्या दी है दो, तो इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया दो, इसकी जगह पे हमने ये दो रख दिया, ये क्या हो गया टू, तो टू आ गया। और x प्लस वन अपान एक्स आपको निकालना है, ये तो ये आप जानते हो कि अगर ये दिया है क्या बोलते हैं x माइनस वन अपान एक्स बराबर दो दिया है, और फिर निकालने के लिए कहे x प्लस वन अपान एक्स निकाल लो, तो बताया था आपको रूट के स्क्वायर प्लस फोर यही होगा ना, प्लस का अगर निकालना हो तो प्लस का ही रहता है के स्क्वायर प्लस फोर, याद रखिएगा, माइनस का निकालना हो तो माइनस रहेगा के स्क्वायर माइनस फोर, तो रूट के स्क्वायर प्लस फोर, तो के क्या है यहाँ पर टू, ये है के, तो दो दूनी चार और चार आठ, आठ का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो टू रूट टू आएगा, और ये वाला टू पहले से है तो दो दूनी चार रूट टू आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दोनों क्वेश्चन हो गए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा। अगर x माइनस वन अपान एक्स दिया हो और फिर कोई कहे x प्लस वन अपान एक्स निकाल लो, तो अंडर रूट के स्क्वायर प्लस फोर कर दीजिए। अगर x प्लस वन अपान एक्स दिया है और माइनस पूछे तो के स्क्वायर माइनस फोर का वर्गमूल निकाल लो। ठीक है, जो पूछे उसी का साइन लगा देना इसमें, ये थोड़ा सा रट लीजिए दिमाग में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ये बेहद इम्पॉर्टेंट अब हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं।